रविवार को बेगूसराय के रंगकर्मियों, साहित्यकारों व बुद्धिजीवियों ने यूक्रेन पर रूस द्वारा किए जा रहे सैन्य हमले के खिलाफ शांति मार्च निकाला, जो दिनकर भवन से शुरू होकर शहीद स्थल होते हुए पुनः दिनकर भवन के मुख्य द्वार पहुँच कर सभा स्थल में परिणत हो गया। इस अवसर पर रंगकर्मी सचिन कुमार ने युद्ध के खिलाफ रची गई कविता का पाठ किया। जसम के राज्य सचिव रंगकर्मी दीपक सिन्हा ने कहा कि हम संस्कृति कर्मी किसी भी प्रकार के सैन्य युद्ध के खिलाफ हैं। हम अमेरिका निर्मित नाटो संगठन के साम्राज्यवादी रुख का भी विरोध करते हैं और रूस के पूंजीवादी रवैये के भी खिलाफ हैं। हम रूसी सरकार से यह मांग करते हैं कि रूस अविलंब यूक्रेन पर सैन्य हमला बंद करे और शांति बहाल करे, क्योंकि इस हमले में कई आम नागरिकों की मौत हुई है। आयशा के साथी अजय ने कहा कि भारत के तमाम छात्रों को भारत सरकार को सुरक्षित तरीके से जल्द अपने देश वापस लाना चाहिए। मार्च में वरिष्ठ रंगकर्मी अरविंद कुमार सिन्हा, संतोष राणा, सचिन कुमार, मोहित मोहन, सनोज इम्तियाजुल हक, डब्लू सिकंदर, हरिकिशोर ठाकुर, मृणाल हर्ष, यथार्थ रॉबिन तथा सीपीआई माले के चंद्रदेव वर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रंगकर्मी इम्तियाजुल हक डब्लू ने किया और वक्तव्य में कहा कि यदि कोई भी युद्ध मानव हित में नहीं होता है तो यह बंद होना चाहिए। बेगूसराय लाइव के लिए अमित आनंद की रिपोर्ट। कहा कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और उधर नशा से भी कहा कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये दोगलेबाजी की तरीका, ये रास्ता ही आई दोस्तों। लगातार लोग मारे जा रहे हैं और अमेरिका और नशा, ये तीनों मिलकर तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाने की तैयारी कर रहा है। साथियों, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ, अगर नाटो तथा यूरोपियन तमाम संगठन एक साथ हुआ और एशिया के तमाम कंट्री एक साथ हुए, तो फिर तीसरा विश्व युद्ध होगा और तीसरे विश्व युद्ध में आप भी नहीं बचेंगे। दोस्तों, आपने देखा कभी कोविड की लड़ाई में, कोरोना में किस तरीके से आपकी आर्थिक स्थिति बदहाल हुई है। और दूसरी ओर जो अभी यूक्रेन में जो चढ़ाई किया गया है रूस के द्वारा, आपका तेल, आपके घर का पेट्रोल, आपका डीजल भी महंगा होने जा रहा है। आप इसकी बात की चिंता कीजिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में जन संस्कृति मंच, नटकिया, इफ्का और तमाम साथी जो यहाँ लोग मौजूद हैं, आयशा के साथी भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, हम इस शांति मार्च के द्वारा शांति बहाल करने की अपील करते हैं। साथियों, अब हम साथी सचिन को से आग्रह करेंगे कि एक शांति कविता आप करें, पाठ करें, उसके बाद फिर आयशा के साथी अध्यक्ष अजय अपनी बात। कविता का शीर्षक है युद्ध। तुम्हारा क्रंदन प्रकृति जन्य नहीं है, तुम्हारा तख्ती लिए खड़ा होना तुम्हारी नियति नहीं है, तुम्हारे माँ के आंसू यूं ही नहीं छलक रहे हैं, ये गोले बारूद यूं ही नहीं बरस रहे हैं, व्यापारी यूं ही नहीं पैसे वसूल रहे हैं, यह हुक्मरानों की लड़ाई है जिसमें हम तुम पेड़ पौधे जानवर चिड़िया सब पीसे जा रहे हैं। नियम है युद्ध थमता है हर तबाही के बाद, तुम्हें फिर से उठ खड़ा होना होगा एक नई जिंदगी के लिए, एक नई जिंदगी के। इस कविता को दीपक सिन्हा ने लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।